आप लोग ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, और ऑनलाइन जॉब के लिए आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि आप लोगों को कोई टाइपिंग वर्क करना चाहिए, कोई राइटिंग वर्क करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपको आसान लगता है। लेकिन जहां पर जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है, वहां पर सप्लाई के साथ साथ वहां पर स्कैम और फ्रॉड भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जहां पर आप लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करवाइए, तो उसके बदले में आपको राइटिंग का, टाइपिंग का वर्क दिया जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसा काम जो कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है। 100% नहीं बल्कि 200% ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। वो कंपनी जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रिनाउंड है, और मैं यहां पर कोई फाइवर या अपवर्क की बात नहीं कर रही, ना ही मैं किसी और जगह की बात कर रही हूं जहां पर जाके आप लोगों को जॉब्स को ढूंढना है। यहां पर आप लोगों को इंस्टेंट जो है वो जॉब मिलती है। जॉब कौन सी, आप अगर टाइपिंग की जॉब करना चाह रहे हैं आपको वो मिल जाएगी, अगर आप राइटिंग की जॉब करना चाह रहे हैं आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ जॉब्स हैं जो कि आप वहां पर कर सकते हैं, और सारा का सारा काम आप लोगों ने घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है। और कोई आप लोगों को इसके लिए ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास अगर मोबाइल फोन भी है आप तब भी ये काम कर सकते हैं। अब कौन सी कंपनी है, कैसे इसको ज्वाइन करना है, कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना है, किस तरीके से आप लोगों ने अपनी पहचान बनानी है, हर चीज जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ आज के स्टूडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंटली आपको काम मिले, जहां पर आपको जॉब मिले, आप इजीली वहां पर वर्क कर पाए और आसानी से आपको विड्रॉ भी मिल जाए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेजाराना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल परसों भी मैंने आप लोगों से एक ऑनलाइन अर्निंग का मेथड शेयर किया था जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कुरान पाक की तिलावत करके कैसे पैसे कमा सकते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए। उसका पूरा प्रोसेस क्या है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने कैसे काम करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऑनलाइन राइटिंग जॉब के बारे में, जिसकी जॉब आपको एक कंप्लीटली वेरीफाइड कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके अगर हम मंथली विजिट्स की बात करें, उस कंपनी के ऊपर जितने लोग जाते हैं वहां पर जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर जाके काम लेते हैं, अगर हम उसकी भी बात करें तो वहां पर तकरीबन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि वहां पर मंथली जाते हैं, वहां पर जाके जॉब को हासिल करते हैं और वहां से अर्निंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी ट्रस्ट रेटिंग की बात करें तो आप स्कैम एडवाइजर पे, ट्रस्ट पायलट पे, कहीं पर भी उसको चेक कर लें, उसकी रेटिंग 100 out of 100 है। क्योंकि मैं आप लोगों को कोई काम बता रही हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं बताती जिसकी अथेंटिसिटी अच्छी ना हो और जहां पर आप जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करें और आप लोगों को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिले। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को काम बताने वाली हूँ। कोई यहाँ पर आपका ज्यादा हार्डवर्क नहीं चाहिए, एनुअल बेस के ऊपर काम होता है, आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी, पार्ट टाइम भी मिल जाएगी, फुल टाइम भी मिल जाएगी, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी जॉब मिलेगी। लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है जिसके जरिए आपको जॉब मिले, यहां पर मैं आपको सिर्फ पूरा तरीका नहीं बताऊंगी बल्कि एंड तक, जहां तक आप लोगों ने सबमिट करनी है, हर चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बिना टाइम जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी की, इस वेबसाइट की ट्रस्ट रेटिंग दिखा देती हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 out of 100 आ रही है। दैट्स मीन कि आप यहाँ पर इजिली वर्क कर सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, जो कि ग्लोबली 8000वें नंबर पे आ रही है, कंट्री में ये 1700वें नंबर पे आ रही है, और अपनी कैटेगरी में देखें तो 24वें नंबर पे आ रही है, जो कि अच्छी खासी जो है ये इसकी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर यहाँ पर टोटल विजिट देखें तो तकरीबन 6 मिलियन, 6.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर यहाँ का बाउंस रेट यानी कि जो एक दफ़ा आ जाता है यहाँ पर वो दोबारा कितनी दफ़ा आता है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 53% आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो आप देखें ये खुद जो है $25 मिलियन से लेकर $50 मिलियन तक हर साल का कमा रही है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो USA की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, कोलंबिया और बाकी आप देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर काम कैसे करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, किस तरीके से आपने इस कंपनी के साथ जुड़ना है, देखिए जितनी अच्छी कंपनी होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल सके, आप लोग ईजिली वर्क कर सकें। और राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये सब कुछ मैं आपको भी प्रैक्टिकली सिखाने जा रही हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना।
तो यहाँ पर देखिए गूगल पे आके मैंने लिखा है सिंपली हायर्ड, आपने भी सिंपली हायर्ड लिखना है, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कोई अपना अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आके आपने सर्च करना है राइटिंग जॉब। ये आपने लोकेशन में रिमोट को सिलेक्ट करना है, रिमोट से ये होगा कि जितनी भी रिमोट जॉब होंगी, मतलब कि ऑनलाइन काम करने वाली जॉब होंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने राइटर जॉब को ढूंढा है, नियर रिमोट का मतलब यही है कि रिमोट की जितनी भी फ्रीलांसर्स के लिए जॉब है ना, वो सब आएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तकरीबन 1000 के करीब जॉब आ रही हैं जो कि सिर्फ राइटिंग वर्क के लिए है। 1000 जॉब्स मींस अलॉट। यहां पर आपने ये काम नहीं करना कि एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, दो के लिए कर दिया, तीन के लिए कर दिया। यहां पर ना तो आपको कोई बिडिंग वगैरह करनी है, जैसे आप अपवर्क के ऊपर बिड लगाते हैं, कोई इस तरह का काम नहीं करना। आपने सिंपल हर जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। आप लोगों को मोस्टली अप्रूवल सिर्फ इसी वजह से नहीं आते हैं कि आप लोग जो है वो एक दो जॉब को अप्लाई करके बैठ जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आएगा, ऐसे अप्रूवल नहीं आता। और दूसरी बात ये कि ये इतना हार्ड काम नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करना है। सिंपल आपने एक दफ़ा चीज़ें बना के रख लेनी है और सिंगल क्लिक्स के ऊपर जो है ना, आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, मैं सब कुछ आपको भी समझाती हूँ, सिखाती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले ही जो जॉब आ रही है यहाँ पर, ये जिसने जॉब लगाई है, हम उस कंपनी की रेटिंग देखें तो 3.5 आ रही है, फिर उसके बाद नीचे वाले की 3 स्टार आ रही है। अच्छा, अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी हो, 3 या 3 से ऊपर हो, आपने उसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जिनकी रेटिंग नहीं आ रही होती या कम होती है, उनके लिए आपने अप्लाई नहीं करना। इस बात का मतलब यह है कि जिन कंपनीज की रेटिंग अच्छी है, ऑब्वियसली बात है वो वेरीफाइड काम कर रहे हैं, तो आपने भी उन्हीं के साथ जुड़ना है, आपने भी उन्हीं के साथ काम करना है, ताकि आप स्कैम वगैरह से भी बच सके। अब यहां पर जैसे आप देखें, पहली जॉब है, ये $25 एक घंटे का दे रहे हैं, इन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है। सेम इसी तरह से नीचे वाली जॉब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसमें भी आपको जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि आपने क्या काम करना है, और नीचे इन्होंने अपनी अमाउंट भी लिखी हुई है जो कि एस्टिमेटेड ये बता रहे हैं कि $50,000 से लेके $62,000 तक है एक साल की। उसके बाद यहाँ पर कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर की जॉब आ रही है, यहाँ पर भी आपने डिस्क्रिप्शन देख ली कि क्या कह रहे हैं, SEO इम्प्लीमेंटेशन करनी है, SEO की प्रैक्टिस होनी चाहिए, SEO आनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर इनकी प्राइस देखें तो आप देखें $26,000 से लेके $80,000 तक इनका आ रहा है एनुअली है इनका भी। और अगर हम इनका $36,000 या $80,000 के बीच का लगा लें, तकरीबन $50,000 लगा लें, तो आप देखें $50,000 अगर हम देखें एनुअली, $50,000 का जो मंथली है वो तकरीबन $4,000 समथिंग बनता है, और $4,000 भी अगर हम आज के रेट में कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन 11 लाख समथिंग रुपीज़ बनते हैं, जो कि किसी भी सूरत में कम नहीं है, और आपके लिए एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बन सकती है अगर आप ये जॉब करते हैं तो। अब यहाँ पर सिर्फ ये जॉब नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करें या दो के लिए करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला है आपने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बन सकें कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। अब किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जॉब के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी, जितनी रिक्वायर है उनकी, जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, जितना एक्सपीरियंस चाहिए, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन को, रिक्वायरमेंट को, फिर आपको अगर लगता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, तो फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी होंगी जिनमें आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी चाहिए होगी, जिनमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी होंगी जहां पर आपका ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, ठीक है। सिंपली मैं आपको सर्च करना बता रही हूं, आपको अप्लाई करना बताऊंगी, फिल्टर करना बताऊंगी, फिर आप लोगों ने खुद इसके लिए अप्लाई करना है। जैसे यहां पर आप जॉब डिटेल देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आ रही है, $36,000 से $80,000 एनुअली दे रहे हैं, 4 दिन पहले ये जॉब लिस्ट हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर रेटिंग देख सकते हैं, बेनिफिट्स में ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं 401k, ये 401k जो है ये जिस तरह से हमारी रिटायरमेंट होती है ना, जो ग्रेजुटी फंड मिलता है, ये सेम इस तरह से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में ये लॉ होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ अमाउंट जो है वो रखी जाती है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर इन कंपनीज में जॉब करने की आपको ये सर्विस भी मिलेगी, जो कंपनी देगी वो शुरू में मेंशन कर देगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दिए, कुछ भी नहीं है, सर्च इंजन आना चाहिए आपको, मतलब कि सर्च करना आना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की राइटिंग स्किल होनी चाहिए, सुपरविजन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आपको आनी चाहिए, SEO, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें वही हैं। 1000 दफ़ा मैंने आप लोगों को ChatGPT से राइटिंग करना बताई है, आप लोग खुद किस तरीके से कर सकते हैं, किसी के लिखे हुए आर्टिकल्स को कैसे आप स्पिन मोड से स्पिन करवा सकते हैं, ये सारे काम मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाए हुए हैं, तो यही सारे काम आप लोगों ने करने हैं। कोई कंपनी आपको ये नहीं कहती कि इसका कॉपी करके उठा के लाए हैं, या आपने किसी का कॉपी किया हुआ रीराइट करवाया, किसी को भी नहीं पता चलता वो, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है।
इस जॉब के अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं जिन कंपनीज की रेटिंग भी अच्छी खासी आ रही है और किसी की अच्छी नहीं भी आ रही है। आपने क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उस कंपनी को खुद से अपनी तरफ से उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक ये वाली जॉब आ रही है, मैंने क्या किया, सिंपली इस कंपनी का नेम कॉपी किया है और यहाँ पर गूगल पे आकर मैंने सर्च किया। तो यहाँ पर आप नीचे देखिए ये कंपनी कौन सी है, कहाँ की है, इसका एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर, हर चीज़ जो है वो मेरे सामने आ गई है। मैं वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकती हूँ ये क्या काम कर रही है, वो सब कुछ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करने से पहले आपने इस तरीके से उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है, फिर आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे ऊपर आपको ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने नीचे जो है ये और डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढने के लिए फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्ट बाय रेलिवेंस और डेट आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोकेशन आ रही है कि आपको लोकेशन कौन सी चाहिए जॉब की, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब की टाइप आ रही है, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, इंटर्नशिप या फिर ऑल जॉब टाइप, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मिनिमम सैलरी यहाँ पर आ रही है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट आ रही है, आपको कौन सी डेट में लिस्ट हुई हुई जॉब चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जितने भी फिल्टर के हिसाब से जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो मैंने फिल्टर लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेरे सामने राइटिंग की जॉब आ रही है वो आप ये चेक कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर 23 राइटिंग की जॉब आ रही है जो कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली चलिए मैं आपको इसी जॉब के लिए अप्लाई करना बता देती हूँ, आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर जैसे मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और फ़ोन नंबर जो है वो आपने अपने कंट्री का कोड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अपना नंबर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। सेम इस तरह से आपने अपना ईमेल दे देना है। इसके बाद अगर आप नीचे वाले बॉक्स को फिल करना चाहें कर लीजिए, अदरवाइज ये भी ऑप्शनल है। जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है अपलोड योर CV। अब आपके पास अगर CV बनी हुई है तो सिंपली अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं बनी हुई है तो अगले आधे मिनट में मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ। तो CV बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैनवा के ऊपर आना है और सर्च बार में आके आपने सर्च करना है प्रोफेशनल CV। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। मैं थोड़ी सी और इसको कमांड दे देती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि वीडियो एडिटर के लिए मुझे CV दिखाए, तो यहाँ पर वीडियो एडिटर की बहुत सारी CVs आ रही हैं, मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो मेरे पास टेम्पलेट आया है कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, आप हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी एडिटिंग करने के बाद ऊपर से शेयर के ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और PDF में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये डाउनलोड हो गई मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने सिंपली आके अपनी जो है वो CV अपलोड कर दी है और यहाँ से मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये बाद यहाँ पर कह रहे हैं आर यू ऑथोराइज टू वर्क इन द US, तो यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा येस और नो। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई पहला एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पर आपने वो जॉब टाइटल देना है जो आपने जॉब कर रखी हो और उसके बाद आपने कंपनी का नाम देना है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप लोगों ने दोनों चीज़ों को फिल करना है, जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसके हवाले से आपने कोई सी भी जॉब यहाँ पर लिख देनी है और किसी भी कंपनी का जो ऑनलाइन भी थोड़ा अवेलेबल हो, वेबसाइट वगैरह जिसकी बनी हुई हो, आपने उसका नाम लिख के इसको ओके कर देना है। ये लोग वेरीफिकेशन आपसे नहीं मांगेंगे ना जाके कंपनी से पूछेंगे, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के लिए ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, मेरा फुल नेम आ रहा है, जीमेल आ रही है, फिर यहाँ पर जो मैंने इनको डिटेल दी थी वो सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने सिंपली सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब यहाँ पर मैं अपनी जीमेल में आई हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, मुझे इनकी तरफ से मेल भी आ गई है कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो यहाँ से आंसर आने में कुछ दिन लगते हैं, आपने परेशान नहीं होना। कभी कभार एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना। और दूसरी बात यह कि आपने किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। 3-4 दिन अपने स्पेसिफिक कर लीजिए कि आपने सिर्फ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, रिटर्निंग का आपने इंतजार नहीं करना है। सिर्फ आप अप्लाई करते जाइए, अपनी तरफ से बेस्ट CV बनाइए, बेस्ट एप्लीकेशन दीजिए ताकि आप लोगों को कंपनी सेलेक्ट कर पाए और आप लोगों को जॉब मिल पाए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने राइटिंग जॉब ही करनी है, आप वीडियो एडिटिंग की जॉब कर सकते हैं, SEO की कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप सर्च बार में आके सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
अब बारी आ जाती है पेमेंट की कि आपको पेमेंट किस तरीके से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट के लिए आप लोगों को दो बातों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, और वो क्या है, सबसे पहले तो ये कि आप लोग जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, अपनी CV सबमिट करवाएंगे, तो रिटर्न में जब आपके पास रिप्लाई आएगा तो आप लोगों से अगर कोई भी एक ऐसा बंदा मिल जाता है, कोई कंपनी ऐसी आती है जो कि आप लोगों से पैसे मांगती है कि पहले आप पैसे दीजिए बाद में हम आपको काम देंगे, तो आपने ये वाला काम नहीं करना है। अब दूसरी बात ये कि जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपको हायर कर लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट कैसे लेनी है, तो देखिए उसके लिए पेमेंट लेने के दो तरीके हैं पाकिस्तान में जो कि सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल पेमेंट्स की, जो कि फ्रीलांसर्स लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ, वो आ जाता है मेथड पायोनियर के अकाउंट का। ठीक है, पायोनियर का अकाउंट मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख के सिंपली अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है बैंक ट्रांसफर का, सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। बैंक अकाउंट में मंगवाने का आसान तरीका है, अपना IBN नंबर, अपना अकाउंट नंबर जो है अपने कंपनी को भेजना है, सिंपली आपके उस अकाउंट में कुछ डिडक्शन के साथ वो पेमेंट आ जाती है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने खुद कितनी दफा मंगवाई है, इजीली आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए दीजिए।